हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी उमेर अकबर सरकानी। तो आज के व्लॉग में आपको वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो यार आज बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होने जा रहा है, वो तो फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ कि आज कौन सा काम हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फ़ौरन आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज सुबह सुबह अपनी स्टडी शुरू कर लूँ। और जैसे ही मैं स्टडी करने बैठ गया तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और बस एकदम मैंने स्टडी बस कर दी। और अभी काम वाले आए हुए हैं और जो मुश्किल काम है वो मैं आपको दिखाऊंगा आज के कौन सा काम होने जा रहा है। जी हाँ, वो लोग छत पे कंक्रीट डाल रहे हैं और मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल काम यही है। इसके बाद वाला काम मेरे ख्याल में आसान है इससे। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीमेंट लाने के लिए, सीमेंट कम पड़ गया है तो जा रहा हूँ सीमेंट लाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। अभी सुबह का टाइम है और मौसम काफ़ी अच्छा है। आप यकीन करें मुझे थोड़ी बहुत ठंड भी लग गई है। जी हाँ, और अभी मैं जा रहा हूँ कुछ सौदा वगैरह लाने के लिए, तो वो लाते हैं। सीमेंट का ऑर्डर मैंने दे दिया है तो ये लोग इंशाल्लाह सीमेंट भेज देंगे लोडर में। और अभी मैं जा रहा हूँ कुछ और सौदा वगैरह है उसे लेने के लिए। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और इंशाल्लाह सीमेंट मेरे जाने से पहले पहुँच चुके होंगे वहाँ घर। बाइक में पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मुझे पता भी नहीं था कि इसमें पेट्रोल नहीं है और अभी टैंकी बिल्कुल खाली पड़ी है, बिल्कुल ही खाली हो गई है। अभी इसके लिए कुछ करना पड़ेगा कि पेट्रोल डाले, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं है। तो अभी कुछ दुकानें बंद भी हैं, उनके साथ पेट्रोल मिलता है लेकिन दुकानें बंद हैं तो क्या करें। अब किसी न किसी तरीके से पेट्रोल ढूंढना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल के बग़ैर तो मैं जा नहीं सकता वापस। चले देखते हैं क्या होता है। ये देखे बाज़ार बिल्कुल बंद है। आगे उस दुकान के साथ पेट्रोल है तो मैं अभी जा रहा हूँ इसमें पेट्रोल डलवाने के लिए। हाँ, इस वाले दुकान के पास है। ख़त्म हुई यार मुकम्मल, खुद नो तब आई देखो। मैंने डलवाया, थोड़ा बहुत गुजारा हो जाएगा इससे। और अभी मैं आ गया हूँ यहाँ, एक कुदरती चश्मा है आपको भी दिखाता हूँ हमारे गांव का, जो बहुत ज़्यादा अरसा हो गया है इसका। और यहाँ पे ये है माशाल्लाह, बहुत ठंडा पानी है इसका, ये देख लीजिए। यहाँ से ये निकलता है, ये पानी यहाँ से निकलता है, फिर इसके लिए ये सारा सिस्टम बनाया गया है। अभी इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि वीडियो अपलोड हो रही है, तो मैंने सोचा वीडियो भी अपलोड हो जाएगी और पानी भी पीऊँगा यहाँ पे। तो अभी मैं पानी पी रहा हूँ, वीडियो बंद कर देता हूँ ताकि मैं दाएँ हाथ से पानी पी सकूँ। बाज़ार से मैं वापस आ गया हूँ और वीडियो अपलोडिंग अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है, वीडियो अपलोड हो रही है तो इसी वजह से मैं घर से निकल कर यहाँ बाहर आ गया हूँ। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल काम मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हर किसी के सामने मोबाइल निकाल कर कैमरे के सामने बातें करना, फिर वीडियो एडिट करना, और आखिर में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस वीडियो अपलोडिंग। यार इंसान का दिल थक जाता है। ये मेहनत आपके सामने है और आपका सपोर्ट बस सिर्फ चाहिए। आप सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखते रहिए। अभी मैं बाहर आ गया हूँ और इस धूप में खड़े होकर मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ये देखे कहाँ पे मैं खड़ा हूँ, हर तरफ गन्ने का फसल, दरमियान में एक छोटा सा रास्ता है, इस पे मैं खड़ा हूँ और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह वीडियो अपलोड होके मैं वापस घर जाऊँगा और कोशिश करता हूँ कि आज अपनी स्टडी कम्प्लीट करूँ।
यहाँ पे स्पीड बिल्कुल कम है यार। पहले भी आपसे कहा कि मौसम थोड़ा मॉडरेट हो गया है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं शबनम पड़ना शुरू हो गया है। ये देखिए, वाह माशाल्लाह। तो अभी रोज़ाना के हिसाब से मौसम मॉडरेट होता रहेगा और फिर सर्दी आएगी, और गांव में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। आप देख लेंगे फिर सर्दियों में कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा सर्दी होती, मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। सीमेंट के साथ मैंने पाइप भी लाना था लेकिन मैं भूल गया था, और अभी मैं इसे लेने आया हूँ आमिर भाई के पास, तो इससे ये पाइप ले रहा हूँ। अभी ये पाइप मैं ले जा रहा हूँ और ये आप देख ले बड़ा देवी उससे समून बताऊँ और कलर कलर बताँ और भाई हो जाते रहता हूँ मोबाइल वीडियो को। मोबाइल का होल्डर ख़राब हो गया है बाइक वाला, तो अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मोबाइल बैलेंस करना हाथ में। भाई वीडियो रोक ला, ناد خدا ما خبر کا ولا پوش ہوئی الحمدللہ اسٹڈی سے میں تھوڑا فارغ ہو گیا ہوں تقریباً ایک گھنٹہ کے لیے، تو ابھی میں جا رہا ہوں، وہ لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ کتنا کام ہو گیا ہے اور ابھی کتنا رہتا ہے۔ ابھی ٹائم ہے 12:30، تو چلیے ان کے پاس چلتے ہیں۔ ہاں اوپر جاتے ہیں ابھی، بسم اللہ۔ یہ سیڑھی گرم ہو چکی ہے بہت زیادہ، ये लोग अभी बिजी है काम कर रहे हैं। अरे का संग दर हो गया जब तक कैसे सुहेवा लग पाते थे क्या ना रखा स्टडी करने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं। एक एडवर्टाइजमेंट ऑर्डर आया हुआ है तो वहाँ पे शूटिंग के लिए हम जा रहे हैं मैं और खुशदिल। आपको ये पता होना चाहिए कि हम एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी भी चला रहे हैं, मैं और खुशदिल हम दोनों, जो कि सरकानी एडवर्टाइजमेंट कंपनी के नाम से है। तो आप अपना एडवर्टाइजमेंट हमसे करवा सकते हैं, इस नंबर पर आप रابطہ भी कर सकते हैं हमसे। तो अभी चलते खुशदिल के पास और उसे पिक करके जाता हूँ शूटिंग के लिए। अच्छा, तो हम दोनों शूटिंग करने आए हुए थे और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर। तो आज का व्लॉग यहीं पे ही ख़त्म कर देता हूँ और बल्ला से खबर अदल तक बजे खैरात हो और देखो शूटिंग लड़ा गया खैरात लड़ा गए।
اصل کې چې کوم ځای ته مونږ تللي وو 28 منټ لا هلته کې حیرات وو حیرات پس خیر ګرځو نه خو لکه بس او یار بس دا ایڈورٹائزمنٹ دا چکم نمبر وغیرہ دی دا بس تاسو سره شیئر کوم دا ایڈورٹائزمنٹ چکم دا نمبر دی دا تاسو سره مون شیئر کړی پدی باندې تاسو رابطہ کوي شه کوین کې تاسو سره ایڈورٹائزمنٹ کوي او سرکاری گروپ اینڈ کمپنی وی دے کہ یو رے اگر آپ لوگ کوئی ڈرون شاٹس لینا چاہتے ہیں تو عمیر اکبر سرکاری کمپنی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ آپ کو اسپورٹس اور سینیمیٹک موڈ والے ویڈیوز بنا کے دے سکتا ہے تو آپ کائنڈلی اس کو شیئر کریں اور اس بلاگ کو دی اینڈ یہی ہو رہا ہے تو بلاگ کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں اور انشاءاللہ کل ایک نئے بلاگ میں ملیں گے اللہ حافظ